अक्सर आपने आम जनता को अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनशन करते देखा होगा, नेताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते देखा होगा, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हकीकत से बिल्कुल उलटी है। तस्वीर में दिखाई देने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं है, ये उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिलक राज बेहड़ हैं, जो अपने साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेहड़ ने रुद्रपुर के नगर आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर आयुक्त द्वारा उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। बेहड़ ने कहा कि ये सब सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, अधिकारी अपनी पावर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको सरकार का वरदस्त प्राप्त है और सिर्फ मुकदमे लिखाना, जनता को जेल भिजवाना इसका काम है। तो आज उसके कारनामों को लेकर मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, चीफ सेक्रेटरी का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर उसके हर धर्मिता के खिलाफ बैठा हूँ। क्या लगता है सर, क्यों इस तरीके का व्यवहार? अधिकारियों की मनमानी चल रही प्रदेश के अंदर, जो अधिकारी चाहते हैं वो कर रहे हैं, जनता की सुनी नहीं जा रही, ना जनप्रतिनिधियों की सुनी जा रही है। बता दें कि रुद्रपुर नगर निगम की तरफ से अवैध अतिक्रमण धारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया तो नगर आयुक्त ने पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके विरोध में तिलकराज ने सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।